अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस किरण। लास्ट टाइम आई हैव डिस्कस विथ यू लिटिल बिट इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द एटम एंड डिस्चार्ज ट्यूब, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि लास्ट लेक्चर में बिल्कुल एंड में, एंड ऑफ द वीडियो, मैंने हाइड्रोजन के साथ एक गैस का नाम लिया था, वो गैस नियॉन है। ठीक है, हम नियॉन गैस भी फिल कर सकते हैं। मैंने मिस्टेकनली मीज़ोन गैस कह दिया था, इट वाज नॉट मीज़ोन, इट वाज नियॉन। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बात क्लियर करवानी थी। हमने देखा था कैथोड रेज, या आप लोग जिसे कहें डिस्चार्ज ट्यूब और क्रूक्स ट्यूब की कंस्ट्रक्शन को। आज हम इसके वर्किंग को डिस्कस करेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, प्रिंसिपल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। प्रिंसिपल मींस के ये ट्यूब कौन से प्रोसेस पे डिपेंड करती है, या इसमें कौन सा प्रोसेस होता है कि रेडिएशन जो है वो वन साइड टू अनदर साइड और वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड फ्लो करती हैं और फाइनली जो है वो डिस्चार्ज हो जाती हैं ट्यूब से। प्रिंसिपल जो डिस्चार्ज ट्यूब में है वो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बेटर थ्रू एयर इफ़ प्रेशर इज रिड्यूस, और वी कैन सी डैट Electricity flow through air at reduced pressure। मतलब यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, electricity का flow करवाएंगे। जो principle होगा वो flow of electricity होगा from air। Construction हमने tube की कल study की थी, थोड़ा सा overview लिया था उसके diagram का, फिर से हम देख लेते हैं। In terms of theory, construction of discharge tube is a gas discharge tube is fitted with two metallic electrode as cathode and anode। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जैसे कि आपको दो इलेक्ट्रोड नज़र आ रहे हैं ट्यूब में, वन इज कैथोड नेगेटिवली चार्ज एंड वन इज एनोड पॉजिटिवली चार्ज। द ट्यूब इज फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड एज कैथोड एंड एनोड। द ट्यूब इज फिल्ड विद अ गैस एयर और वेपर ऑफ अ सब्सटेंस एट एनी डिजायर्ड प्रेशर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो क्रूक्स ट्यूब है या जो डिस्चार्ज ट्यूब है वहाँ पर हम गैस फिल करते हैं, गैस जो है वो मीडियम प्रोवाइड करती है। मीडियम मींस यहाँ पर गैस जो है वो कंडक्टर का रोल प्ले करेगी कि जो भी रेडिएशन यहाँ से इमिट आउट होंगी, एयर गैस या कोई भी पार्टिकल्स अगर आप इसमें फिल करते हैं तो वो उसके कैरियर का काम करेंगे, उसे कंडक्ट करेंगे फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, ये भी हमने देखा था। जैसे कि यहाँ पर हाई वोल्टेज जनरेटर है या हाई वोल्टेज बैटरी है, कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे जनरेटर की और बैटरी के, और जो पॉजिटिव एनोड है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। तो हाई वोल्टेज जनरेटर हो गया। द ट्यूब इज अटैच टू द वैक्यूम पम्प, हमने वैक्यूम पंप को भी स्टडी किया था कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वैक्यूम पंप। द फंक्शन ऑफ वैक्यूम पंप इज टू रिड्यूस द प्रेशर। ठीक है, इसके बाद है वर्किंग ऑफ ट्यूब, हाउ दिस ट्यूब विल वर्क, हाउ वी ऑब्जर्व रेडिएशन इमिट आउट फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड एंड मूव टूवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रोड, ये सारा हम उसकी वर्किंग में देखेंगे। तो हम वर्किंग स्टडी करते हैं। इन द बिगनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट वॉज पास थ्रू द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब एट ऑर्डिनरी प्रेशर। कि स्टार्ट में क्या हुआ, ऑर्डिनरी प्रेशर मीन्स जो कि आपके लैब का उस वक्त या जिस जगह पे आप ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस वक्त उस जगह का जो ऑर्डिनरी जो कि रूम प्रेशर होगा उस पर आपने क्या किया, जो आपने गैस फिल की डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया। फिर क्या होता है, द गैस इन द ट्यूब वॉज नॉट इफेक्टेड इवन एट हाई पोटेंशियल ऑफ 5000 वोल्ट्स। कि जब ऑर्डिनरी प्रेशर पे गैस में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया गया, इवन दो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 5000 वोल्ट का था, हाई पोटेंशियल का जो करंट है वो जब हमने पास करवाया, देयर वाज नो एनी इफेक्ट ऑब्जर्व इनसाइड द ट्यूब, कोई भी
जो है वो ट्यूब में चेंजिंग नहीं आई। However, the gas was discharged from tube up to a low pressure of 0.01 torr and was connected to high voltage of 5000 to 10000 volts. लेकिन फिर क्या हुआ कि जो मैंने आप लोगों से कहा था, ये जो वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप की हेल्प से हमने जो ट्यूब के इनसाइड प्रेशर है, या आप लोग बोलेंगे वैक्यूम पंप की हेल्प से, जैसे ही हमने प्रेशर को रिड्यूस किया, कम किया, प्रेशर को रिड्यूस किया और जो वोल्टेज आ रहा था बैटरी से जो करंट आ रहा था, उस करंट को हमने इंक्रीज कर दिया। मतलब जो पहले 5000 था उसे हमने 10000 बढ़ा दिया। क्या चेंजिंग की हमने? क्योंकि जो हम ऑर्डिनरी प्रेशर पे कर रहे थे 5000 वोल्ट करंट देकर, उस पर कोई भी चेंजिंग नज़र नहीं आ रही थी ट्यूब में, मतलब ट्यूब में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर रिड्यूस करते गए, प्रेशर हमने 0.01 टॉर किया और फिर हमने अपने वोल्टेज को भी इंक्रीज़ किया, वोल्टेज हमने 10000 वोल्ट का करंट जब पास करवाया क्रूक्स ट्यूब में से, द ओरिजिनल ग्लो डिसअपीयर्ड, जो ओरिजिनल ग्लो था वो डिसअपीयर हो गया, जो एनोड थे वो ग्लो कर रहे थे वो डिसअपीयर हो गए। इट वॉज ऑब्जर्व डैट एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल द गैस बिकम्स कंडक्टर। इधर से क्या ऑब्जर्व होता है कि जब हमने 10000 वोल्ट का करंट दिया एट वेरी लो प्रेशर, प्रेशर वॉज 0.01 टॉर, तो क्रूक्स ट्यूब में चेंजिंग आई, ओरिजिनल ग्लो जो था वो डिसअपीयर हो गया और वहाँ से जो है वो एक नया ग्लो हुआ और रेडिएशन का डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया। इट वॉज ऑब्जर्व डैट एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल द गैस बिकम्स कंडक्टर। इसका ये मतलब है कि जब लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे ट्यूब में चेंजिंग आना शुरू हो गई, वहाँ से रेडिएशन की इमिशन स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब कि जो एयर होती है या जो गैसेज होती हैं आप लोग कहें, वो नॉर्मली तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, लेकिन अगर हम उनका प्रेशर कम कर दें और वोल्टेज इंक्रीज कर दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। करंट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द गैस एंड गैस स्टार्ट टू इमिट लाइट। अगर नियॉन गैस फिल करेंगे तो उसका अपना एक कलर होगा, हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे तो उसका अपना एक कलर होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे ही आपने प्रेशर को रिड्यूस किया और वोल्टेज इंक्रीज किया, तो जो करंट था वो फ्लो होना शुरू हो गया। मतलब जो गैस, जो एयर आपने फिल की थी, वो कंडक्टर बन गई, वो जो है रेडिएशन को कंडक्ट करना शुरू कर दिया, उसने करंट को कंडक्ट करना शुरू कर दिया। करंट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द गैस एंड गैस स्टार्ट टू इमिट्स लाइट। जो आपने गैस उसके अंदर फिल की थी, एयर तो आपने कंडक्टर के लिए फिल किया था, क्योंकि एयर का जब प्रेशर आपने रिड्यूस किया, वोल्टेज बढ़ाया, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग गई, उसने पूरी ट्यूब में इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाया। और जब इलेक्ट्रिक करंट जो आपने गैस फिल की थी, अगर वो नियॉन गैस है, तो जब वो नियॉन गैस में से पास हुई, when the pressure is reduced even further emission of light by the gas ceases, certain rays were given out from cathode and travels towards the anode। कि जब electric current neon gas में से pass हुआ, तो क्या देखा गया कि कुछ radiation थी जो कि originate हो रही थी cathode electrode से और वो ट्रैवल कर रही थी टूवर्ड्स दी एनोड। मींस के जो रेडिएशन थी वो नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से ओरिजिनेट हो रही थी और उनकी डायरेक्शन थी टूवर्ड्स दी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ दी बैटरी, सॉरी ऑफ दी डिस्चार्ज ट्यूब। अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कि जो हमारी रेडिएशन थी वो ओरिजिनेट हो रही थी नेगेटिव से, और नेगेटिव से आने वाली चीज़, या आप लोग कहें कि वो चीज़ जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ होती है, इट मींस कि वो खुद जो है वो नेगेटिवली चार्ज रखती है। तो कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड से आने वाली जो चीज़ है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव की तरफ है। तो इस तरह से जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में नेगेटिवली चार्ज रेडिएशन की जो है वो ओरिजिनेशन देखी गई उसका जो है। फिर आप लोग कहें कि इसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से, कि ये जो ट्यूब है यहाँ पर कोई भी ओपनिंग नहीं है या कोई भी होल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड रखती है, हाई स्पीड की वजह से इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा हो जाती है और इसी वजह से ये इस ट्यूब को क्रॉस करके यहाँ से डिस्चार्ज आउट हो जाती है। ये हम फर्दर जो है वो प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे कैथोड रेज़ की। अभी फ़िलहाल हम इसे कैथोड रेज़ ही कहेंगे, फिर बाद में हम बताएंगे कि इसे इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया। थैंक यू सो मच।